शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के पड़ोरा फोरलेन हाईवे किनारे वेदा होटल के पास देवस्थान पर लगे पीपल के पेड़ को कुछ पास के ही गुरुद्वारा प्रबंधन ने लोगों के द्वारा काट दिया गया। पीपल के पेड़ को काटने से मौके पर कुछ लोगों के द्वारा उसे रोका गया था, लेकिन लोग नहीं माने। इसकी शिकायत रविवार की रात कोलारस थाने में पहुंच कर दर्ज कराई गई है। पड़ोरा के रहने वाले यशपाल रावत ने बताया कि पड़ोरा वेदा होटल के पास वर्षों पुराना देव स्थान है। इस स्थान से क्षेत्रीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उस स्थान पर करीब 8 साल पुराना पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जिसे बीती रात कुछ सिख समुदाय के लोगों के द्वारा काट दिया गया है। मौके पर उन्हें पेड़ काटने से रोका गया था, इसके बावजूद पीपल के पेड़ को काट कर गुरुद्वारा ले जाया गया। यशपाल रावत का कहना है कि देव स्थान के पास की भूमि सरकारी भूमि है, जिसका फर्जी तरीके से पट्टा करा लिया गया है। अब देवस्थान को हटाने की साजिश रची जा रही है। इस घटना से क्षेत्रीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसी संदर्भ में आज सभी कोलारस थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। भाई साहब, आज आप लोग थाने आए, क्या मामले को लेकर के आए? भाई साहब, एक हमारा देवस्थान है वेदा होटल के आगे हाईवे पे ठाकुर बाबा का, चौरागढ़ वाले ठाकुर बाबा के नाम से है। वहाँ क्या देवस्थान पे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था, तो 4-5 सिख समुदाय के लोग आए और उस पेड़ को काट के कैंपर गाड़ी में धर के गुरुद्वारे पड़ोरा में ले गए। हमारे कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मना किया कि इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा, हमारे देवस्थान पर लगा हुआ है। वो नहीं माने, बोले तुम्हारी भावनाओं से हमें क्या मतलब, हम तो इसको काट के ले जाएंगे। और इसका उन्होंने, हमारे जो लोग थे वहाँ मौजूद, उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया और इस तरह उस पेड़ से क्या हमारी धार्मिक भावनाएं पर ठेस पहुँचाए और हम उसकी शिकायत करने के लिए थाने में आए थे। तो उनको क्या दिक्कत आ रही थी उस पेड़ से वहाँ पर? वो क्या है कि उनने कोई फर्जी पट्टा करवा लिया और उस जमीन को सरकारी जमीन, उसको हड़पना चाहते हैं। तो इसी मामले को लेकर थाने आए थे? इस मामले को लेकर थाने पर शिकायत करने आए थे हम। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नीरज रावत। कहाँ से आए आज आप लोग थाने आए, इतने लोग इकट्ठे होकर, क्या मामला है? यहाँ बैठा गांव है अपने पास में, पटेल चौक पड़ोरा के पास में, वहाँ से। तो क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ एक अपना स्थान है ठाकुर बाबा का, वहाँ पे एक पेड़ लगा था पीपल का। हम वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, हमारे दादाजी वगैरह भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ। तो हमने वो पेड़ में जो मान लो गर्मियों में पानी दिया, जब वो सूखने की कगार पर था, आज वो 7-8 साल का हो गया। अब वहाँ वो सरदारों की उन्होंने पट्टा करा रखा है, कुछ भी अच्छा जेड सरकारी जमीन है वैसे तो वो, पर मंदिर के लिए पैसे में मंदिर लिखा दिए। तो क्या हुआ वहाँ, आज वो आए सारे इकट्ठे हो गए, सारे सरदार जो 15-20 थे लगभग। हम लग 4 लोग थे, तो हमने रोकने की कोशिश करी कि वो काट रहे थे पेड़, फिर हमने वीडियो वगैरह भी बनाई उनकी, पर वो रुके नहीं। तो हम बोल रहे थे, हमने बोला वीडियो बना रहे हैं भाई हम, तब सॉरी उन्होंने बोला कि तुम वीडियो बना लोगे, कोई मसला नहीं है कि हमें तुम बना लो, किसी को भी दिखा देना, कोई फ़ायदा मतलब है नहीं, हम तो काटेंगे तो काटेंगे वगैरह भी है। मैंने बोला भी था उनसे, काट तो आप वो पेड़ उनने क्यों काटा, क्या कारण था? कारण ये है कि सरकार ने वो 22 बीघा जमीन सरकारी दी, उसका पट्टा गुरुद्वारे ट्रस्ट के नाम कर दिया। अच्छा, हाँ वो मंदिर की जमीन, अब उसको मिटाना चाह रहे हैं। अब वो मंदिर के चबूतरा को भी, मंदिर को भी मिटाना चाह रहे हैं। पहले भाई बड़ा नीम का पेड़ था, तब पिछली साल उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। तो आप लोगों ने उनको पिछली साल भी उसने नीम का पेड़ खत्म करा था, उसकी FIR कराई थी जहाँ थाने में रिकॉर्ड में दर्ज है, तब भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो वैसे कौन लोग हैं वो? वही नहीं, पड़ोरा गुरुद्वारे के सरदार। अच्छा, तो आप लोग यहाँ के FIR कराने के लिए?